वेलकम बैक अगेन न्यू वीडियो। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लखनऊ मेट्रो। जो आप लोग का डिमांड्स था, जो एक्चुअली इसको क्वेश्चन पेपर को डिस्क्राइब करो, लेकिन आज टाइम हो चुका है, आप लोग को डिस्क्राइब करूँगा। लेकिन एक चीज़ बता देता हूँ, सिर्फ प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन डिस्क्राइब करूँगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है यार। और यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी है, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप लोग पेशेंट रखें। आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, राइट? सो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके ज़्यादा चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर और प्रॉब्लमेटिक सॉल्यूशन कर लेते हैं, है ना। तो पहले वाला जो क्वेश्चन दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, आप लोग अगर नोट नहीं है तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ी सी ट्विस्ट किया, इसी प्रकार क्वेश्चन के ऊपर बेस करके अहमदाबाद इसरो में आ चुका था। तो क्वेश्चन बोला, फाइंड द करंट इन एंड द एलिमेंट्स व्हेन द चार्ज एंटर द एलिमेंट्स, इच क्यू का वैल्यू दे चुका है। क्यू इक्वल टू आई इंटू टी होता है, 10 × t दे चुका है, दैट मीन्स 10 इक्वल टू करंट है, तो टी कूलम्स है। तो यहाँ पे सेकेंड पे दिया हुआ है, वेयर द टी इज़ द टाइम इन सेकेंड, ओके, कौन सा ऑप्शन होगा। तो मैंने प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करके रखा हूँ जल्दी से जल्दी होने के लिए, है ना। तो पहले एक चीज़ बता देता हूँ, सॉल्यूशन करने का पहले जो चीज़ ध्यान रखना पड़ता है, गिविन डेटा सबसे लिखना पड़ता है, क्योंकि ईजी हो जाता है। तो ये नॉर्मल है बोल के हम लोग लिखते नहीं, लेकिन लिखना चाहिए, जरूरी। ओके, क्यू इक्वल टू टी, क्यू क्यू का वैल्यू दे चुका है, क्यू इक्वल टू 10 t, आई का वैल्यू फाइंड आउट करने का बोला। तो यहाँ पे सिंपली क्यू का वैल्यू पुट करेंगे, 10 t इक्वल टू आई इंटू टी, और टी का टी कार्ड हो जाता है, आई इक्वल टू 10 एम्पियर। तो सी मतलब 3 इज द राइट आंसर, क्लियर। बढ़ते क्वेश्चन नंबर, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है 7 नंबर पे, ओके। ए रहा आपके पास क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, बहुत इजी है, इसको डिस्क्राइब करने का ज़्यादा जरूरत नहीं है। यहाँ पे भी दे चुका है और आर दे चुका है, करंट का फाइंड आउट कर लो सिंपल ओम्स लॉ डाल के, है ना। तो ओम्स लॉ का जो नॉर्मल फॉर्मूला है, पहले गिविन डेटा है आर इक्वल टू 2 kΩ, ये सर्किट के अंदर 9 वोल्ट फ्लो हो रहा है और रेजिस्टर्स 2 kΩ है, उसको ट्रांसफर करो 2 kΩ टू ओम्स पे, 10³ मल्टीप्लाई कर चुका हूँ, 2 × 10³, और फाइनली आ चुका है 2000 ओम, ओके। वोल्टेज 9 वोल्ट, आई इक्वल टू वी अपन आर, तो फॉर्मूला नंबर नॉर्मली पुट करो, और यहाँ पे एम्पियर आ रहा है, आई इक्वल टू 9/2000 एम्पियर, बट यहाँ पे तो एम्पियर पे है 18 एम्पियर 4.5 बस मिली पे, तो मिली पे ट्रांसफर कर लेते हैं। तो एम्पियर से मिली पे करने के लिए 10³ मतलब 1000 से गुना करना पड़ता है, मल्टीप्लाई करना पड़ता है, 9 / 2000 × 1000 कार्ड होने के बाद 9/2 mA, दैट मीन्स ये भी तो नहीं है, इसको अगर नॉर्मली डिवीजन करते हैं तो 4.5 mA, है ना। पढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, पेशन रखे और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आ, ओके। एक चीज़ बता देता हूँ, 9 नंबर का पहले एक क्वेश्चन जो था मैंने लिखा नहीं शायद, ये जो क्वेश्चन देख पा रहा है ना, ये जो क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थोड़ा बाद में बताऊँगा, ओके। तो अभी जो ये क्वेश्चन है इसको सॉल्व करते हैं, ओके। जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो बाद में बताऊँगा, ओके। नेक्स्ट वीडियो के बाद, इसी वीडियो में जो प्रॉब्लमेटिक पहले सॉल्व कर चुका हूँ उसको पहले आप लोग अपडेट दे देता हूँ, और आप लोग प्रैक्टिस करें, और जो प्रॉब्लम होता है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ओके। नाउ लेट्स मूव टू स्टार्ट। ये थोड़ा सा पेशेंट रखना पड़ेगा, वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इसी प्रकार ये जो देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। तो यहाँ पे देखो, करंट सिंपली फाइंड आउट करने के लिए बोला है, ये सर्किट है सिंपली सर्किट। तो यहाँ पे जो देख पा रहा है ना, जो 5i, ये एक्चुअली वोल्टेज सोर्स की करंट सोर्स, शायद आप लोग को डिप्लोमा में पढ़ा हुआ है। देखो क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, देखो डिप्लोमा बेस से भी आ रहा है और ITI बेस में आ रहा है, तो सारी चीज़ को आप लोग को कंप्लीट करना जरूरी है, और ये क्वेश्चन को फाइंड आउट करने के लिए KVL आना बहुत ही जरूरी होता है, ओके। पहले बता देता हूँ, ये जो वोल्टेज सोर्स, ये भी वोल्टेज सोर्स है, डायमंड वाला सेव है ना, प्लस और माइनस, ओके। तो ये जो वोल्टेज है वो वोल्टेज किसी करंट सोर्स के ऊपर डिपेंडेबल है, तो इसको हम लोग इंडिपेंडेंट नहीं बोल सकते, ये डिपेंडेबल है किसके ऊपर, करंट के ऊपर। तो 5i मतलब 5 गुना, अगर आई का वैल्यू यहाँ पे पुट करते तो वोल्टेज यहाँ पे निकल सकता है, वोल्टेज निकल जाएगा, कितना वोल्टेज यहाँ से फ्लो हुआ है। तो नॉर्मली अगर वोल्टेज सोर्स होता कोई मामला ही नहीं था, तो यहाँ पे ये वाला सोर्स देखे ना तो थोड़ा गलत कर दिया, और कोई बात नहीं, सोल्यूशन हो जाएगा। अगर किरचॉफ्स लॉ आप लोग को पता नहीं है तो इसी वीडियो में सीख भी सकते हैं, ओके। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट डिटेल्स में नहीं जाएगा, वेरी सिंपल सिंपल लॉजिक से बताएंगे यार। देखो ये जो वोल्टेज सोर्स है ना, इसको कैसे बोलते हैं, तो ये वोल्टेज सोर्स किसी दूसरा किसी सोर्स के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो ये इंडिपेंडेंट है, डिपेंड नहीं है तो इंडिपेंडेंट है, वेरी सिंपल। तो पहले आ जाता है सर्किट के ऊपर, मैं सॉल्यूशन कर चुका हूँ और बताते हैं। देखो सर्किट को थोड़ा सा ध्यान रखना है, ये जो सॉल्यूशन है इसके ऊपर अभी नहीं देखने का, पहले बता रहा हूँ, देख लो। तो ये जो लूप है ना, मैंने नाम नेमिंग्स दिया A1, A, B, E, K, A, लूप कम्प्लीट। तो ये एक लूप है, इसके अंदर एज्यूम करो I1 करंट फ्लो हो रहा है, क्लियर। अभी आते हैं सेकेंड वाला, B, C, D, E, B, एक लूप है, तो I2 करंट फ्लो हो रहा है। अभी यू विल पुट द कैल्विन, अप्लाई बाय कैल्विन्स A, B, E, A एंड K, राइट।
मेरे सिंपल लॉजिक्स, अगर केल्विन हम लोग पुट करते हैं, केल्विन का जो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का जो फॉर्मूला आ रहा है, हम लोग को पता है टोटल वोल्टेज बस समेशन ऑफ वोल्टेज क्या होता है, ये जो रजिस्टर के अक्रॉस आई आर ड्रॉप हो रहा है, मतलब वोल्टेज ड्रॉप है, उसका समेशन इक्वल टू टोटल वोल्टेज के इक्वल होता है। तो अभी आते हैं, ओके, ये चीज़ सॉल्यूशन करने के लिए एक चीज़ को आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, साइन। साइन इज बहुत इंपॉर्टेंट, कहाँ पे प्लस होता है कहाँ पे माइनस होता है, यही गलत हो जाता है बार बार, लेकिन अभी जो ट्रिक्स बताऊंगा ना ये आप कभी भूलोगे नहीं, ठीक है, ध्यान रखना। अगर वोल्टेज सोर्स है, ये वोल्टेज सोर्स है माइनस, छोड़ो ये इसमें नहीं दिखाएंगे, हम लोग डायरेक्ट बैटरी को पुट कर लेते हैं और ये रहा आपके पास वोल्टेज, ये प्लस है ये माइनस है, राइट। तो अगर हम लोग हायर, ये मतलब लोअर है, लोअर से अगर हायर पे जा रहा है, क्या बोला, लोअर से हायर पे जा रहा है, तो उसका वैल्यू जो भी है, अगर 5 वोल्ट है तो हम लोग प्लस 5 वोल्ट ही पुट करेंगे। अगर आप लोग आ रहा है ठीक अपोजिट साइन पे, अपोजिट पे प्लस से माइनस जा रहा है, मतलब हायर से लोअर जा रहा है, तभी इसका क्या लिखेंगे, माइनस भी। ये ध्यान पे रख देना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन। और एक आता है करंट सोर्स के बारे में, ओके, तो अगर करंट सोर्स आपके पास, करंट सोर्स है कोई भी करंट सोर्स नहीं है, रजिस्टर का बात कर रहा हूँ, अगर कोई भी रजिस्टर्स है, ओके, तो हम लोग को पता है रजिस्टर में जो करंट, यहाँ पे आई करंट फ्लो हो रहा है, जहाँ पे आई इन हो रहा है उसको हम लोग बोलेंगे ऑलवेज टाइम पॉजिटिव साइड, जहाँ पे आउट हो रहा है करंट उसको बोलेंगे नेगेटिव साइंस। अभी आते हैं साइन के ऊपर, देखो पॉजिटिव से नेगेटिव पे जा रहा है, मतलब हायर से लोअर पे जा रहा है, तो ऐसे जा रहा है, तो ऑलवेज टाइम जो भी यहाँ पे 5 ओम है तो हम लोग क्या लिखेंगे, आई 5, क्या लिखेंगे, माइनस साइन होगा माइनस, हायर से लोअर जाएगा तो आप लोग ऑलवेज टाइम माइनस पुट करेंगे। अगर ठीक इसका ऑपोजिट में आ रहा है, करंट जा रहा है जहाँ पे, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ठीक इसका ऑपोजिट में जा रहा है तो उसको प्लस होगा, क्लियर। लेकिन देखो ये हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, ये स्टैंडर्ड कंडीशन है, आप लोग इसका ऑपोजिट साइन भी यूज कर सकते हैं तो फाइंड भी होगा, ओके। सो नाउ लेट्स मूव टू स्टार्ट द मेन कंडीशंस, ओके, अभी समझ चुका है सारी चीज, ओके, तो आते हैं मेन कंडीशन के ऊपर। अगर यहाँ पे केवीएल अप्लाई करते हैं तो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये देखो ये वोल्टेज सोर्स है, लिखा लोअर से हायर पे जा रहा है 24 वोल्ट, देख रहा है, ओके, माइनस लिया क्योंकि मैं बताया जहाँ पे करंट इन हो रहा है तो वहाँ पे पॉजिटिव है, माइनस है, तो हायर से हम लोग लोअर पे जा रहा है तो माइनस 18 I1, क्लियर, ओके। तो अभी आ जाते हैं इसी ब्रांच के ऊपर, ये जो रजिस्टर के ऊपर, ये रजिस्टर के एक्चुअली दो करंट यहाँ पे फ्लो हो रहा है I1 एंड I2, तो यहाँ पे लिखने के लिए आप लोग ऑलवेज टाइम ध्यान रखें I1 माइनस I2 करेंगे। अरे ये तो पहले बता देता हूँ साइन, तो यहाँ पे पॉजिटिव इन हो रहा है, आउट हो रहा है, तो हायर से लोअर जा रहा है तो माइनस दिया 12, ये डिफरेंसेस करंट है, लिखना पड़ेगा। लेकिन हाँ यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे क्वेश्चन आता है I1 माइनस I2, तो I2 माइनस I1 भी कर सकते हैं, लेकिन ना जो लूप पहले कंसीडर करेंगे हम लोग उसी को हायर सोचेंगे, उसके बाद जो लूप बाद में करेंगे उसको लोअर करेंगे, ठीक है। अगर ए लूप के बारे में बात करते तो हम लोग I2 माइनस I1 करते इक्वल टू 0, क्लियर, यहाँ तक क्लियर, ओके। बढ़ते सिंपली कैलकुलेशन करने के बाद आप लोग ये देखेंगे खुद करके पता चल जाएगा, तो 24 माइनस 18 I1 माइनस 12 I1 प्लस 12 I2 इक्वल टू 0, क्लियर। तो यहाँ पे आते हैं और जितना भी I1 है उसको हम लोग ऐड करने के बाद, ये देखो 18 I1 माइनस 18 I1, यहाँ पे -12 I1, अगर इसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे ना, बड़ा जो सिंबल है यहाँ पे रखा, तो 13 I1 प्लस I2 कितना है, एक ही है 12 I2, और ये 24 को अपोजिट में लेके आए तो माइनस हो चुका है। अगर यहाँ पे एक माइनस कॉमन लेते हैं तो 30 I1 माइनस 12 I2 इक्वल टू -24, और माइनस माइनस बोथ साइड में काट दिया, फर्स्ट इक्वेशन आ चुका है 30 I1 माइनस 12 I2 इक्वल टू 24, फर्स्ट इक्वेशन, ओके। अभी अप्लाई करते हैं, ये थोड़ा सा गड़बड़ था जो बताया था, कुछ नहीं है, जस्ट पुट करेंगे वैल्यू, देखो BCDEB लूप कंप्लीट है, तो यहाँ पे अप्लाई KVL, ओके। तो यहाँ पे अगर KVL हम लोग अप्लाई करते हैं तो पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो डायमंड वाला सिंबल देख रहे हैं ना, डायमंड वाला, कुछ नहीं है यार, सिर्फ डायमंड ही है, ओके। आप लोग सोचो प्लस से माइनस पे जा रहे हैं, हम लोग इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका सिंबल क्या होगा, पहले बताया अगर यार माइनस होगा, -5 I, ओके, I1 नहीं लिखेंगे, I लिखेंगे -12, तो यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे दो करंट फ्लो हो रहा है, पहले बता चुका हूँ इसी लूप कंसीडर कर रहा है, तो इसीलिए I2 माइनस I1, सिंपली कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे आ, देखो यहाँ पे आ चुका है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और, एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, ये जो I है ना -5 I, तो यहाँ पे I1 पुट किया, क्यों, आई
इक्वल टू आई वन, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखो, आई इक्वल टू आई वन, दैट मीन्स हम लोग को पता है ये आई जो है ना, आई करंट फ्लो हो रहा है, मतलब आई आई करंट इक्वल टू आई वन, वही करंट ही फ्लो हो रहा है ना। और इसी के जगह ये वैल्यू क्यों पुट किया हम लोग को, इक्वेशन को सॉल्यूशन करने के लिए, ऐसा नहीं इसका इक्वलेंट है, ओके इसका इक्वल लिख सकता है, मतलब इसका इक्वल है, अपोजिट प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ठीक है। तो आई के जगह हम लोग पुट कर सकते हैं आई वन इक्वेशन करने के लिए, ठीक है। तो जहाँ पे आई वन है, एक ही जगह पे आई वन है, ये जो सोर्स के पास डायमंड वाला सेव है, तो यहाँ पे पुट कर चुका हूँ। तो यहाँ पे पुट करने के बाद माइनस फाइव आई वन माइनस ट्वेल्व आई टू जैसे है रखा, प्लस ट्वेल्व आई वन इक्वल टू जीरो, आई वन हम लोग क्या गया माइनस किया तो सेवन आ चुका है, और माइनस ट्वेल्व आई टू रखा है जैसे है ऐसा इक्वल टू जीरो, ये रहा आपके पास इक्वेशन नंबर टू। अभी नॉर्मल सॉल्यूशन में आते हैं, ये आप लोगों को सबको पता है। इक्वेशन नंबर वन यहाँ पे पुट किया, इक्वेशन नंबर टू पुट किया और साइन को चेंज कर दिया, प्लस है माइनस किया, माइनस से प्लस किया और प्लस है माइनस किया, ट्वेल्व ट्वेल्व कट हो चुका है। इसको हम लोग अगर माइनस करते हैं, ट्वेंटी थ्री आई वन इक्वल टू ट्वेंटी फोर, आई वन इक्वल टू ट्वेंटी फोर टू थ्री, यही रहा आपके पास आंसर। अगर समझ में नहीं आ रहा है, वीडियो को और एक बार पॉज करके देखें और सॉल्यूशन नोट डाउन करके रखें, और केबीएल दो चार अगर प्रैक्टिस कर लिया तो ये प्रॉब्लम नहीं होगा, ओके। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है कमेंट सेक्शन में बता सकता है, आई विल हेल्प यू, नो प्रॉब्लम यार। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो भी देखेंगे, वो भी इंटरेस्टिंग है, ओके। 18 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इजी क्वेश्चन है, और यहाँ पे क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द पीरियड फॉर ए वेव फॉर्म विद द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 205 रेडियन पर सेकेंड। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, टाइम्स निकालने बोला, और द टाइम पीरियड टी निकालने के लिए बोला, ठीक है। तो टी निकालने के लिए हम लोग को फ्रीक्वेंसी यहाँ से निकालना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी टी के साथ इन्वर्सली नॉट डायरेक्टली, ठीक है। तो 18 नंबर क्वेश्चन सॉल्यूशन है, देख पा रहे हैं, वेरी सिंपल, गिवन डेटा पहले लिख चुका हूँ, गिवन डेटा इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी 200 पाई रेडियंस, ओके। टी को फाइंड आउट करना है, मैं बोल चुका हूँ टी को फाइंड आउट करने का, फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ओमेगा इक्वल टू हम लोग लिख सकता है 2 पाई ए, और ओमेगा का वैल्यू यहाँ पे जस्ट पुट किया और इक्वल टू ये लिखा जैसे रहा ऐसे है 2 पाई एफ, उसको पाई पाई कट हो चुका है, और एफ इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 2, और फ्रीक्वेंसी रहा 100 हर्ट्ज, टी इक्वल टू 1 अपन एफ, और 1 टी इक्वल टू 1 एफ के जगह मैंने पुट किया 100, और टी इक्वल टू 0.01 सेकेंड। तो यहाँ पे सेकेंड में दूसरा वैल्यू है, तो मिली सेकेंड में देखते हैं, ट्राई करते हैं। अगर सेकेंड को मिली सेकेंड करने के लिए हम लोग 10^3 मतलब 1000 गुना किया, मल्टीप्लाई करने के बाद इसका राइट आंसर आ चुका है 10 मिली सेकेंड, मतलब कौन सी है 10 मिली सेकेंड, ए मतलब 1 इज़ द राइट आंसर, क्लियर, ओके। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ये वाला देख पा रहा है ना, 19 नंबर क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, उसको सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। उसको सॉल्यूशन करने के लिए देख लेते हैं, ये भी सॉल्यूशन करके रखा हूं, और यहां पे क्वेश्चन पूछा इंस्टेंटेनियस जो वैल्यू देख पा रहा है यहां पे, जो नॉर्मली जो इक्वेशन है ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू का स्टैंडर्ड इक्वेशन कौन सा होगा। सो जस्ट फ्रीक्वेंसी को पुट करेंगे, और फ्रीक्वेंसी को पुट करने के बाद 2 के साथ मल्टीप्लाई करके कौन सा राइट होगा, ओके। इसको सॉल्यूशन करने के लिए मैंने गिवन डेटा लिख चुका हूँ, यहाँ पे गिवन डेटा है ए बी इक्वल टू 60 आर आई एम इक्वल टू 120 राइट और एम्पियर, और इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला। देखो एम क्या है, मैक्सिमम वैल्यू और पीक वैल्यू, ये कहाँ पे होता है ये थोड़ा ध्यान रखना। ये जो साइकिल है ना देख पा रहा है, ये फ्रीक्वेंसी का 1 साइकिल क्रिएट हुआ, और ये टाइम पीरियड है। तो ये जो छोटा छोटा बार देख रहा है ना, आई वन आई टू आई थ्री, सपोज यहाँ पे आई वन फाइंड आउट करने के लिए बोला, तो ये इक्वेशन ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये इंस्टेंटेनियस का स्टैंडर्ड वैल्यू है, तो यहाँ पे कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू के हम लोग इसके ऊपर डिस्क्राइब नहीं करेंगे, ये हम लोग का एक्चुअली आप जब स्टडी करेंगे डिप्लोमा वगैरह और भी ज़्यादा कुछ, तो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन है, ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन है। इसके ऊपर जस्ट फॉर्मूला को याद रखने का, अभी से याद रखे, रट्टा करे जो भी करे, याद रखने का, वैल्यू को पुट करने का और फाइंड आउट करने का इजीली, ओके। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखो सिंपली यहाँ पे जो गिवन डेटा है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ हम लोग को पता है, और यहाँ पे दे चुका है फ्रीक्वेंसी का वैल्यू, फ्रीक्वेंसी के साथ अगर 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 120 जैसा है मैक्सिमम वैल्यू हम लोग पुट किया, और साइन इसके अंदर ओमेगा 2 पाई एफ इसको वैल्यू पुट किया, जो फ्रीक्वेंसी है 60 × 2 अगर मल्टीप्लाई करने के बाद 120 पाई टी एम्पियर, तो हम लोग देख लेते हैं विच इज़ द राइट आंसर, 4 नंबर इज़ द राइट आंसर, आई टी 120 साइन 120 पाई टी इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे ये जो और बाद में तीनों पॉइंट है वो गलत है ना, ओके ओके। दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे क्वेश्चन बोला एन अल्टरनेटिंग करंट ऑफ फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज हैज़ ए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 120 एम्पियर और फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू, बताया था ना वो जो कार्प के अंदर जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, अगर टाइम पीरियड 1/720 एस, यहाँ पे एक चीज़ गलत होता है वो भी बताऊँगा क्या गलत होता है, किसकी वजह से आंसर नहीं हो रहा है।
ओके, तो इसका राइट आंसर है 60। कैसे हुआ मैं बताता हूँ। इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताने के लिए बोला, दैट मींस 19 नंबर जो क्वेश्चन 19 नंबर क्वेश्चन बोला था, ये I1 ऐसा वाला फॉर्मूला पुट करेंगे और फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पे गिवन डेटा है, यहाँ पे गिवन डेटा देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी कितना है, 60 हर्ट दे चुका है, और मैक्सिमम वैल्यू आई मैक्स 120 एम्पियर, और टी अगर इतना है तो 1720 टाइम पीरियड पे है, तो करंट इंस्टेंटेनियस करंट कितना होगा। सिंपल फार्मूला हम लोग अप्लाई किया, जो स्टैंडर्ड फार्मूला है, आई टी आई मैक्स साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे आई मैक्स का वैल्यू दे चुका है 120, और साइन 30 कहाँ पे आया, नहीं हो रहा है ना कन्फ्यूज, कोई कन्फ्यूज होने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखो साइन ओमेगा टी का हम लोग नॉर्मली पता है, पहले पढ़ चुका हूँ, इसका जो वैल्यू है साइन 2πft, 2πft का वैल्यू ऑलरेडी फ्रीक्वेंसी दे चुका है। देखो 2 का 2 का पुट किया, पाई का वैल्यू यहाँ पे एक ध्यान रखने का, 22 हम लोग कभी भी नहीं करेंगे, है ना, तो कभी भी गलत नहीं करेंगे। ओके, तो थोड़ा सा पेपर किधर है, ओके यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। अगर ये जो देख पा रहा है ना 22/7, ओके ये वाला वैल्यू यहाँ पे नहीं पुट करेंगे, इक्वल टू पाई, पाई का वैल्यू ऑलवेज टाइम हम लोग पुट करेंगे 180। ओके, तो यहाँ पे 180 पुट करने के बाद 60 है, तो फ्रीक्वेंसी पुट किया 60 मल्टीप्लाई 1/720 मतलब टाइम पीरियड मल्टीप्लाई करो, करने के बाद आ जाता है 30 साइन 30, और साइन 30 यहाँ पे पुट किया, और साइन 30 का वैल्यू है हाफ। अगर 120 के साथ हाफ डिवीजन किया तो 60 आ जाता है नॉर्मली। क्लियर, आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके दोस्तों, ये लास्ट क्वेश्चन है, बाद में नेक्स्ट वीडियो में और जो प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है उसके साथ अरेंज करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये थोड़ा ध्यान से रखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन एक्चुअली VSSC में रिपीट नहीं हुआ था, सेम वैल्यू नहीं आया था, बट इसी प्रकार का क्वेश्चन आया था, ठीक है। मैं जो चीज़ बताऊँगा, अगर ये चीज़ एक बार अगर माइंड में सेट कर ले वन टाइम्स, तो यू नेवर फॉरगेट एनी थिंग्स, और कुछ भी कर सकता है। ओके, कुछ नहीं है, जस्ट फार्मूला याद रखने का यार। चलो, ये एक्चुअली था VT इक्वल टू जो भी है वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे मेन कंडीशन पे आते हैं, जो फार्मूला बेस पे आता है, इसका फार्मूला RMS रूट ऐसा होता है। कोई भी चीज़ ये जो देख पा रहा है ना 200 बी मैक्स है, ये भी बी मैक्स है, तो सब कुछ यहाँ पे X1 है, बी मैक्स का जगह X1 फॉर एग्जाम्पल, WT जो भी है, प्लस X2 साइन 3 ओमेगा टी प्लस 3, 4, 5 ऐसा करके है। ये जो वैल्यू है ना, इसको हम लोग जस्ट कैसे लिखेंगे, देखो RMS इक्वल टू अंडर रूट के अंदर सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू है, 200 है, 200 का जगह 400 आए थे तो ऐसा करते थे, तो X1 डिवाइडेड बाई रूट टू तर होल स्क्वायर प्लस X2 डिवाइडेड बाई रूट टू तर होल स्क्वायर प्लस X3 डिवाइडेड बाई रूट टू तर होल स्क्वायर अंडर रूट के अंदर सॉल्यूशन करने के बाद जस्ट हम लोग पुट किया यहाँ पे, यू पुट द वैल्यू नॉर्मली, मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाई रूट टू तर होल स्क्वायर, मैक्सिमम वैल्यू 100, ये वाला है 100 डिवाइडेड बाई रूट टू तर होल स्क्वायर प्लस 50 डिवाइडेड बाई रूट टू होल स्क्वायर। अगर सिंपली इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, अगर नॉर्मली 200 का स्क्वायर है, ओके 200 इंटू 200 डिवाइडेड बाई रूट टू का स्क्वायर लिखते तो 2 होता है, ओके तो 100 सेम होता है, तो यहाँ पे पुट किया 200 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 2, 50 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 2। क्लियर, तो अगर इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो 2000500 प्लस 1250 अंडर रूट के अंदर लास्ट में जो सॉल्यूशन होता है 162.018, इसका राइट आंसर है RMS वैल्यू 162, दैट मींस 2 इज़ द राइट आंसर। तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेटिव कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे जस्ट आप लोग को ये फार्मूला को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फार्मूला बार बार प्रैक्टिस करें, बार बार प्रैक्टिस करें, कभी भी भूल हो सकता है। अगर ये प्रैक्टिस कर लिया ना, तो ऐसा वाला क्वेश्चन आएगा तो 2 मिनट के अंदर सॉल्व करेंगे ना, तो प्रॉब्लम क्या है। तो ये जो देख रहा है ये थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटिव लग रहा है, कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, जस्ट यहाँ पे रूट के अंदर ही सॉल्यूशन हो जाएगा, ऐसी प्रॉब्लम देता है। जस्ट हम लोग को वो लोग टेस्ट करते हैं, हम लोग को जो फॉर्मूला है ना, जो ट्रिक्स है, हम लोग को पता है कि नहीं। ओके, तो मिलेंगे जल्दी से जल्दी नेक्स्ट वीडियो पर। अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर एक लाइक करना है ना।